हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज है 30th of April एंड कल है 1st of May एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज कल है मेरा बर्थडे। एंड अभी फ़िलहाल के लिए, हाँ एक बात, कल जो मैंने व्लॉग डाला था उस पर, उसके लिए सबसे पहले सॉरी, बिकॉज उसमें जो वॉइस का मैंने वॉइस ओवर दिया था वो आगे पीछे हो गया क्लिप उसका। जो ऑलरेडी मैं ऑडियो के साथ वीडियो है उसमें और वो चला गया और आगे पीछे उसका टोटली मतलब एकदम से वो ब्लंडर सा हो गया उसका वॉइस का, वॉइस ओवर का। सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। सो उस व्लॉग को भी आपने अच्छा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टाइम से मैं प्रॉमिस ऐसा नहीं करूँगी। एंड आई डोंट नो, बट मुझे समझ भी नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने अपने लिए तो बहुत अच्छे से क्लिप का वो किया था कि मतलब क्लिप बहुत अच्छे से उसका वॉइस ओवर दिया था, बट आई डोंट नो क्यों। एनीवेज, सो आज अभी सायरा और मामा जाएंगे मॉल, बिकॉज मैंने इस बार अपने बर्थडे की कोई शॉपिंग नहीं की है, बिकॉज एक तो सायरा की भी छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन चल रही हैं, और ऊपर से उसका टाइम ही नहीं लगा कि मैं पहले जा पाऊँ। सो आज मेरे पास टाइम था, डेली कुछ ना कुछ हो रहा था कि नहीं टाइम नहीं लग पा रहा था। सो आज मैंने सोचा क्यों ना जाऊँ और जाके कुछ अपने लिए, कोई ड्रेस या कोई टॉप कुछ भी मिलेगा वो मैं लेके आती हूँ। और सायरा के लिए जो है वो प्ले एरिया हो जाएगा, वहाँ पे प्ले एरिया में खेल लेगी, बिकॉज मैंने उसकी 3 मंथ की मेंबरशिप ली हुई है इन्फिनिटी में, तो वो यूज़ ही नहीं हो पाती है, बहुत टाइम वो ऐसे ही एक्सपायर हो जाती है। बिकॉज मुझे होता है कि वो अच्छा भी रहता है वैसे अगर ले लेते हो, बट वेस्ट ऑफ मनी भी। अगर तो आप डेली जाते हो तो ठीक है, अगर डेली नहीं जाते हो तो उसका मेंबरशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी के लिए तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, तो मैं आके आपसे बात करती हूँ जब हम लोग। गाइस, तो फिर हम राबिया जी के घर पर आए, केक भी हमने ओपन किया, और यहाँ पर दिशा जी ने बहुत अच्छी तरह से राबिया जी का जो ब्लॉगिंग चैनल है वेलकम टू राबियाज ब्लॉग, वो जो हमेशा बोलती है हेलो गाइस वेलकम टू राबिया महाजन ब्लॉग ऐसे बोलती है, वो लिख कर रहा है। दिशा जी बहुत बढ़िया आपने लिखा है, इस बात पर क्या कहोगे? मुझे खुशी मिला, उनको कुछ नहीं कहना क्योंकि कुछ कहती नहीं, खाली स्माइल करके रुक जाती है। और यह है ईएन की मॉम जिनको नोबेल प्राइज मिलने वाला है, किसके लिए? केक कट करने के लिए। और जिसका बर्थडे है वो नहीं है इधर, तो हम उसकी वेट कर रहे हैं। राबिया जी आप आ रहे हो कि कल कट करना है ये केक? अरे राबिया जी मत दिखाओ, इतना काम करते हो आप। तो ये नींबू भी उसने काटे थे, और ये अभी राबिया जी बना रही है हमारे लिए रेडीमेड जूस, खाली पानी डाला है उन्होंने इसमें और बना मेहनत भी है, और आधा घंटा लिया है इसके लिए भी। राबिया जी कैसा लग रहा है आधा घंटा में रेडीमेड जूस बना के? राबिया महाजन ब्लॉग, May God bless you. Happy birthday, dear Rabia. Happy birthday to you. Thank you. बेटा, ऐसा लगे दवाई दे रहे हो? सबसे पिल लो, सबसे पहले बच्चे को क्लीनिक। तुम्हारा भी हाथ लो। नहीं मैं वीडियो। जैसे भी। चलो चलो। फोटो नहीं भी वीडियो है मेरा। देखो गाइस कैसा सुंदर सा व्हाइट हो रहा है, उसमें चॉकलेट कलर सूट हो रहा है, आपको बहु का ये ऐसा रुख कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। ये सब इस कैमरा मैन की ना मेहरबानी है, मेरा फेस ऐसा क्या है। दिशा जी कैमरा पकड़ो, कैमरा मैन की मेहरबानी हो जाएगी। नहीं, ये देखो ये वाला, ये जो गौर से देखो इस औरत को। मेरी इतनी सिंपल, अब मैं लगती हूँ मस्ती करने वाली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ये मस्ती करने वाली। जलेबी जैसी दीदी है, सीधी हूँ मैं, सीधी जलेबी जैसी सीधी हूँ मैं।
लो प्लीज, ये पका जाओ फ्रेंड्स, नाश्ता खा लो। निशा जी प्लीज ले लेती हूँ, आ जाओ फ्रेंड्स नाश्ता खा लो। सो हम लोग ने ऑटो लिया और निकल पड़े। ये था पीछे जो क्लिप देखी, सरप्राइज़ दिया था मेरी फ्रेंड्स ने, सबने, देवयानी एंड गैंग ने। तो बस वहीं पे वो सरप्राइज़ देते देते अभी हम इन्फिनिटी के लिए निकले हैं। ये हम लोग पहुंच गए। सबसे पहले मैं गई मैक्स, मुझे लेने थे कुछ नाइट सूट्स, बट मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, बट दो तीन टी शर्ट्स ले ली मैंने, तो वो भी अच्छा था। बच्चों का भी सेम ही स्टफ था जो सायरा का मैंने लास्ट मंथ लिया था। तो अभी ये हम लोग बिलिंग वाली लाइन में खड़े थे, तो मैंने ऐसे वीडियो शूट कर लिया। और यहाँ पे हमें फिर से आना पड़ा बिकॉज़ हमें एक पाउच चाहिए था तो वो लेना भूल गए थे, तो फिर से हमें बिलिंग लाइन में खड़े होना पड़ा। तो यहाँ पे बस वही पाउच ही ढूंढ रहे हैं। एंड फिर हम लोग आ गए एज ऑलवेज होम सेंटर। मैंने एक्चुअली सेंटेड स्टिक्स लेनी थी बिकॉज मुझे होता है घर पे अच्छी अच्छी स्मेल आनी चाहिए, लाइक खुशबू आना चाहिए। तो बस वही मैं फिर लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे शूट किया। सो गाइस, हम लोग इन्फिनिटी मॉल आ चुके हैं और आपने जैसे देखा क्लिप में, मतलब पता नहीं मैं नेक्स्ट क्लिप डालूंगी जब बैक क्लिप डालूंगी, कि हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की है, थोड़ी सी बाकी है और अभी हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं। गौर से देखिए इस आदमी को, ये कौन है और ये कौन है, गुस्से से देखता है ऑलवेज। सायरा ने एक्चुअली हमें डरा दिया था, इसकी आंख में किसी ने कोई कुछ चुप गया वहाँ पे प्ले एरिया में खेलते खेलते, तो इसने फ़ोन करवाया कि मेरी आंख में किसी ने कुछ मार दिया है तो आप जल्दी से आ जाओ वापस। तो बस वही मैं एकदम से हम लोग डर गए और फटाफट से गए, बट शी इज़ फाइन, कुछ नहीं हुआ ऐसा, वो थोड़ा चुप जाता है जैसे, तो वही बस हुआ। सो अभी आइसक्रीम खाते वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो हम खाने लगे हैं फ्रेंकी। आपको वेज खाते कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वेज खाना चाहिए, अच्छा होता है वैसे। अच्छा, हम लोग मम्मी को भी मेट्रो में ले आए हैं फाइनली। मम्मी भी आ गई आज मेट्रो में। डे आज है 1st of May एंड आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। सो अभी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू सिद्धिविनायक मंदिर, जो कि मैं जब से हम लोग यहाँ पे मुंबई में आया, हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर नहीं गए हैं। पहले जब गोवा रहते थे उस तब हम लोग मुंबई आए थे, तब मैं गई थी सिद्धिविनायक, उसके बाद नहीं गई और मम्मा पापा भी कभी नहीं गए हैं। तो आज उनके साथ और सायरा के साथ और संचित हम चारों पांचों जा रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि मंदिर से शुरुआत हो रही है और ब्लेसिंग्स लेंगे वहाँ पे जाके गणपति पापा की। अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, आई थिंक 11:30 बज रहे हैं, मे बी जब 12:45 हो रहा है। और उसका क्या है कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया होगा, बट होप है कि जल्दी से टर्न आ जाएगी। अभी देखते हैं बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी जाना तो है बिकॉज़ मुझे बहुत होता है कि बर्थडे वाले दिन तो मैं ज़रूर जाऊँ। तो ठीक है, अभी मिलते हैं, चलते हैं। फिलहाल तो मेरी बर्थडे की शुरुआत जो है वो ऐसे हो रही है, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है और अभी बस हम लोग निकलने लगे हैं, और उसके बाद आके देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है, बिकॉज मुझे और ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन का नहीं है, बस मुझे ये है कि मुझे सिद्धिविनायक ज़रूर जाना है आज, तो मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ वहाँ पर जाके। सो हम लोग पहुंच गए सिद्धिविनायक और यहाँ पे जो रश था भाई साहब बहुत ज़्यादा। और अभी ये बाहर से लाइन जो लगी थी, ये लाइन में हम लोग खड़े होने वाले थे, ये इधर से लोग एग्ज़िट कर रहे थे, इधर से हम लोग एंट्री कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रसाद देते हैं वो बहुत लूटते हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक आपको पहले ही 550 से स्टार्ट करते हैं रेट बताना, बट आप देख के लो, उनको बोलो जो सबसे ठीक वाला है वो बताओ, तो भी 350 तक देते हैं। तो ये देखो ये लाइन लगी हुई है एंट्री के लिए, हम लोग इजी लाइन में गए थे। और यहाँ पे ये देखो गणपति बप्पा के दर्शन, यहाँ पे तो आपको नहीं अच्छा दिखेगा लेकिन नेक्स्ट क्लिप में आपको अच्छे से दिखेंगे। तो हमने यहाँ से खड़े होकर दर्शन किए, ये थोड़ा सा दूरी, ये देखो गणपति बप्पा के दर्शन। और हमने भी यहाँ पे बहुत अच्छे से खड़े होकर दर्शन किए थे। और ये जो फूल माला थी फिर वो हम लोगों ने वहाँ पे बप्पा के वहाँ पे वो चढ़ा देते हैं, उनके वहाँ पे सेवादार खड़े रहते हैं सोसाइटी वाले मेंबर्स, तो उन्होंने आगे जाके चढ़ा देते हैं। और उसके बाद वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे तो माथा टेका गया था, बट गणपति बप्पा का जो मेन अंदर वाला
वाला मंदिर है वहाँ पे नहीं जाया गया, बट फिर भी ठीक है, दर्शन होने चाहिए हमें दूर से खड़े होके इजीली, और इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं ना, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और रश देखिए इतना ज़्यादा है कि आई थिंक 1000 से ऊपर लोग होंगे आज यहाँ पे मंदिर में। और फिर हम लोगों ने एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लेनी थी, हमारे मंदिर में नहीं थी तो हम वही बस देख रहे थे, वहाँ पे शॉप थी तो मम्मा कहते लेके जानी है, तो बस वहीं पे देख रहे थे। तो हमें एक छोटी सी वाइट कलर की थी, बहुत प्यारी वाली, ये देखो जो बैठे हुए हैं, ये वाली पसंद आई थी तो वो हमने फिर ली थी। हमारी जो मेड है वो 1 month के लिए अपने गांव गई है, नेपाल में गई है, वो नेपाल की थी वो। सो अभी वो कब आती है बोल के मुझे गई है 20 दिन के लिए, और कहती थी लेकिन मेरा महीना लग जाएगा अभी पता नहीं मुझे, और मुझे कोई और अभी महीने के लिए पता नहीं कोई मिलती है कि नहीं मिलती है, लेट्स ट्राई। तो फिर आके बर्तन साफ किए और थोड़ा सा जो मेसी पड़ा था किचन वो क्लीन किया, और अभी बना रही हूँ सब्जी, पनीर एक भुर्जी बना रही हूँ, बिकॉज़ सुबह सब्जी में जाना होता है ऑफिस में। और रात को तो हम लोग आज डिनर बाहर ही करेंगे, बिकॉज डिनर का प्लान तो बर्थडे है तो बनता है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन प्याज और अदरक, हरी मिर्ची हम डाल नहीं रहे हैं बिकॉज कोई भी स्पाइसी नहीं खाता है, तो देखते हैं क्या होता है, बना के मिलती हूँ। Hey guys, so I am all set to go for dinner. Okay, so ये मैं टॉप लेके आई थी कल न्यू, तो हेयर स्टाइल आज मैंने ऐसे ही रखा है रफ हेयर्स, बिकॉज मुझे आज लग रहा है कि मुझे ऐसा अच्छा लगेगा, सो ट्राई किया मैंने आज बिल्कुल सिंपल सी लुक रखी है। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट है राधा करके, वहाँ पे जाएंगे, जो उसके पास ही एक ऑलिव ग्रीन आई थिंक कुछ है, महावीर नगर में ही है, तो वहाँ पे जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे जाते हैं, बिकॉज अभी कुछ पता नहीं है। तो दो तीन रेस्टोरेंट जो है हमने फाइनल किया है डिनर के लिए, तो अभी हो रहा है 7:45, तो अभी हम लोग देखते हैं। लेट्स गो, आपके साथ भी शेयर करूँगी सारे क्लिप्स। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड। करके है रेस्टोरेंट एंड बार, कि मैं सही पर अनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, तो how was your experience? Yeah, it was good. बस nice dry day था. All right. ये हमारा यहाँ पे मोए मोए हो गया था, but बहुत अच्छा experience रहा हमारा यहाँ पे, खाना बहुत ही yummy था। और ये देखो ये दोनों आ रहे हैं आराम आराम से, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, फिर घर जाके एक्टिवा पिक करेंगे एंड देन केक लेने के लिए जाएंगे।
चॉकलेट चिप्स करके है महावीर नगर में। ये देखो ये कैटी भी केक लेने आई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रविया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए आज संचित जी गोवा की फीलिंग लेते हुए ले रहे हैं पूरी। 250 रुपए की शर्ट ली थी और ये पूरा 250 रुपए निकाल के रहेगा। 250 दिन पहननी है मुझे। सो ये था बर्थडे व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली ए ब्लेस्ड डे फॉर मी और बहुत सही था। एक्चुअली इट इज, हाँ अभी तो 10:40 हुए हैं, 10:20 हुए हैं, तो अभी 2 घंटे 1.5 घंटा है मेरे बर्थडे में और, सो आई कैन इन्जॉय मोर एंड मोर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, एंड लाइक करो, शेयर करो एंड ब्लेसिंग्स दो ढेर सारी। Thank you so much for watching. God bless you all.